दुनिया की एक एप्लीकेशन दुनिया की सब एप्लीकेशन से भारी पड़ती है और उसका नाम है वीचैट। वीचैट को चाइनीज़ ज़ुबान में वेशिन कहते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वीचैट क्या है, व्हाट इज़ वीचैट। वीचैट एक मल्टीपर्पज़ मैसेजिंग, सोशल मीडिया और मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है जो कि टेंसेंट कंपनी ने बनाई है और फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी ये 2011 में। वीचैट हर किस्म के प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस मैसेजिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, फोटोज, वीडियोस, ग्रुप चैट, ग्रुप कॉलिंग और भी बहुत कुछ। आइए इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। वीचैट का उर्दू में मतलब क्या होगा? वी चैट, वी का मतलब हम, चैट का मतलब गपशप या कचहरी। इसको हम अगर उर्दू में कहें तो इसका मतलब है अपनी कचहरी, अपनी गपशप। वीचैट का सारा दारोमदार QR कोड पर होता है। जस्ट QR कोड करें, उसको ऐड करें या पेमेंट करें, हर चीज़ QR कोड से वाबस्ता है। वीचैट का जो सबसे ज़बरदस्त फीचर है मैसेजिंग और कॉलिंग के बाद, वो है उसकी पेमेंट का। आपने अपना वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड या चाइनीज़ बैंक कार्ड वीचैट से लिंक करना है और आप पूरे चाइना में कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं वीचैट से। और जो आप पेमेंट करेंगे वो डायरेक्ट पैसे आपके बैंक अकाउंट से जाएंगे। वीचैट से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं चाइना में। टैक्सी वाले को किराया देना हो इससे दे देंगे। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कार्ड नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस वीचैट फीचर में जाकर कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन कार्ड एक्टिव करना है और आप QR कोड से बस में, मेट्रो में, हर जगह पे आप पेमेंट कर सकते हैं, अपना किराया दे सकते हैं। ये है जी वीचैट पेमेंट का QR कोड। इस पर एक दफ़ा स्कैनर लग जाए तो बस ये किसी की नहीं सुनता और आपके पैसे कट जाते हैं, वो भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट से। इसका एक ज़बरदस्त फीचर ये भी है कि जब आपके मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो जाए तो आपको इजी लोड की शॉप ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चाइना में आपको इजी लोड की शॉप मिलेगी। आपने बस अपने वीचैट पे जाना है और वहाँ से टॉपअप कर लेना है अपनी सिम में। तो ये इसका एक बेहतरीन फीचर है। वीचैट में एक फीचर है कि आप अपना स्टिकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीचैट में भी टाइमलाइन होता है फेसबुक की तरह। अगर आपने कुछ मोमेंट्स वीचैट पे अपलोड किए हैं तो उसको लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट फेसबुक से। आपने वीचैट पे अपलोड किए वो सेम मोमेंट्स अपलोड हो जाएंगे फेसबुक पर भी। वीचैट में आप मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरों को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप नंबर के ज़रिए ऐड कर सकते हैं या वीचैट आईडी के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। और जो सबसे फेमस तरीका है ऐड करने का वो है QR कोड से। वो आप वीचैट पर QR कोड से ऐड कर सकते हैं। आप वीचैट पर फेसबुक की तरह नियर बाय का ऑप्शन ओपन करके भी दूसरों को ऐड कर सकते हैं और वीचैट में अपने मोबाइल को शेक करके भी वीचैट कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। वीचैट में आप लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, जैसा कि व्हाट्सएप में होता है। पर व्हाट्सएप में सिंगल लोकेशन जाती है, वीचैट में ये होता है कि एक लोकेशन होती है और एक होती है रियल टाइम लोकेशन। तो दो ऑप्शन हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो ऑप्शन आप चूज़ कर लें। रियल टाइम लोकेशन एक बहुत ही ख़तरनाक फीचर है। जैसा कि अगर आप बॉस को बोलें कि मैं फलानी जगह पर हूँ, अगर बॉस बोले कि आप रियल टाइम लोकेशन शेयर करें और आपने झूठ बोला हो तो आपके सारे पोल खुल जाते हैं। और हाँ, इसका एक ज़बरदस्त फीचर और, आपको भूख लगी है और आप हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और आपको कोई अंदाज़ा नहीं है हलाल रेस्टोरेंट कहाँ है या आपको अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, तो आप वीचैट पे जाएं और वहाँ पे ये आपको बताएगा कि हलाल रेस्टोरेंट कहाँ है, कितनी दूर है
उसकी लोकेशन देगा और उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको बताएगा। और यही नहीं, अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो मस्जिद भी बताएगा कि मस्जिद कहाँ है, कितनी दूर है, उसकी लोकेशन भी आपको देगा। यही नहीं, आपको ये भी बताएगा कि नमाज की टाइमिंग इस एरिया में क्या है, जिस एरिया में आप हैं वहाँ पे नमाज की टाइमिंग क्या है। यही नहीं, अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ना है तो वो भी ऑप्शन वीचैट में है। और हाँ, अगर आपने तिलावत सुननी है तो वो भी ऑप्शन वीचैट में है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عيد کا چاند دیکھنا ہو یا رمضان شریف کا وی چیٹ رویت احلال کمیٹی کا کام بھی خود ہی کرتا ہے مسجد میں چندہ دینا ہو یا فقیر کو پیسے وہ بھی وی چیٹ سے دے سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے پوری دنیا میں کہیں بھی موبائل نمبر پہ کال کرنی ہے تو وہ آپشن بھی ہے WeChat में, जिसका नाम है WeChat Out। आप जिससे पूरी दुनिया में मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। WeChat के कुछ और फीचर्स, इसमें अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक करवाना है पूरे चाइना के अंदर तो वो भी WeChat बुक कर देता है। और अगर आपने फ्लाइट लेनी है चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में कहीं भी फ्लाइट लेनी हो तो वो भी वी चैट आपकी बुक कर देता है। अब बात करेंगे हम ग्रुप चैट की। इसमें आप वी चैट पर ग्रुप बना सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 500 मेंबर ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप अगर एडमिन हैं तो आपने अपने ग्रुप की मुकम्मल जो पॉलिसी है उसका ध्यान रखना है। उसमें ध्यान ये रखना है कि किसी के खिलाफ कोई पोस्ट ना हो, स्पेशली गवर्नमेंट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ, और कोई वल्गर या न्यूटिटी वगैरह जैसी पोस्टें उसमें ना हो। अगर ऐसा है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। उस मेंबर को तो अरेस्ट करती ही है जिसने पोस्ट की है, बाकी जो एडमिन है वो मुफ्त में मारा जाता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। WeChat का सेंसर बोर्ड बहुत सख्त है। हर चीज़ WeChat की सेंसर करता है, आपकी पोस्टें सेंसर करता है, आपके टेक्स्ट मैसेज सेंसर होते हैं, आपके कमेंट सेंसर होते हैं। ये कि अगर आपने कोई कमेंट या मैसेज ऐसा वगैरह लिखा हो जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो ना करता हो तो उस पर आप जेल भी जा सकते हैं। और WeChat के फीचर्स यहीं ख़त्म नहीं होते, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो हम सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ है इसमें। और बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ में हैं, जो मैंने बता दी वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चाइनीज़ में हैं। शॉपिंग भी कर सकते हैं, होटल बुकिंग भी कर सकते हैं, हम खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत फीचर्स हैं इसके, लेकिन बहुत सारे फीचर्स चाइनीज़ में हैं और आए दिन इसमें कोई ना कोई फीचर्स का इजाफा होता रहता है। WeChat का एक ज़बरदस्त फीचर ये भी है कि जब आप चलते हैं पूरा दिन तो वो आपके सारे स्टेप्स काउंट कर लेता है पूरे दिन के, और उस फीचर का नाम है WeRun। और इसका एक ज़बरदस्त फीचर और ये कि अगर आपके पास मैसेज आया है उर्दू में, चाइनीज़ में, स्पेनिश में, रशियन में, तो वो इसको मैसेजिंग में ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश में। ये इसका एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है, लेकिन ये है कि परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती, लेकिन ये ट्रांसलेट कर देता है। WeChat पर आप टैक्सी भी मंगवा सकते हैं, ऊबर, करीम, ग्रैब की तरह, और इस टैक्सी को बोलते हैं दीदी टैक्सी। टैक्सी का नाम है दीदी टैक्सी। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि इंटरनेट के बिना पेमेंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आपका QR कोड ओपन हो जाएगा पेमेंट का और आपकी पेमेंट हो जाएगी। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। चाइना में अगर आप रहते हैं तो WeChat के सिवा गुजारा नहीं होता। बहुत सारे फीचर्स अभी भी रह गए होंगे कुछ कवर करने के लिए, अगर जैसे जैसे मुझे याद आ गए या यूज़ करने पड़े, जैसे भी पता चला, तो आगे वीडियोज़ में मैं शेयर करता रहूँगा। Thank you.